हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम नमन चुग। आई एम निशा राठौर, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट, एम्स कल्याणी। तो काफ़ी वीडियोस से हम नीट प्रिपरेशन से रिलेटेड, नीट की काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस बना रहे थे, तो आज हमने सोचा कि कॉलेज लाइफ से रिलेटेड भी एक वीडियो बनानी चाहिए, और काफ़ी टाइम हो गया था हमें साथ में कोई वीडियो बनाए। तो आज की वीडियो में हम एम्स कल्याणी में जो भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उन सब के बारे में आपको बताएंगे, आपको अच्छे से दिखाएंगे, और एंड तक बने रहिए क्योंकि मेरे पास आप सभी के लिए एक स्पेशल गेम है जो कि आपने सभी ने, स्पेशली बॉयज़ का, तो मतलब बॉयज़ ने तो पक्का खेली ही होगी, तो आपको नॉस्टैल्जिया आएगा वो देख के, काफ़ी मज़ा आएगा वो देख के, तो एंड तक बने रहिए। लेट्स बिगिन विद द बैडमिंटन कोर्ट, जो सबसे ज़्यादा बिजी रहता है हमारी कॉलेज में, और यहाँ पे AC भी है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। फ्रेंड्स, वी ऑल्सो हैव अ वॉलीबॉल कोर्ट इन एम्स कल्याणी, एंड वॉलीबॉल एंड थ्रो बॉल कॉम्पिटिशन्स भी हुए थे जब स्पोर्ट्स फेस्ट हुआ था एम्स कल्याणी में। अभी ये ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा क्योंकि ज़्यादातर बैचेस के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो अभी तो यहाँ पे कम ही लोग खेलते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा वॉलीबॉल कोर्ट बना हुआ है यहाँ पे। तो चलो अब बाकी के इंडोर गेम्स देखते हैं। बाकी इंडोर गेम्स में हमारे पास कैरम है जो कि काफ़ी बच्चे खेलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास एक दो नई गेम्स आई हैं यहाँ पे। तो ये तो जैसे कि आपको पता ही होगा, बिलियार्ड्स, स्नूकर, मुझे ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता है इन दोनों में, लेकिन अभी कम ही बच्चे खेलते हैं इसे, अभी सेटअप किया गया है इसे, और ये भी एक नई गेम को इंस्टॉल किया गया है यहाँ पे। मनीषा, इसका नाम है आप सबको ये बता रही है कि ये क्या है क्या नहीं है, लेकिन इसे नाम नहीं पता। Women. तुझे पता है आया बड़ा? हाँ, तो बोलते होंगे टेबल, है ना? नहीं पता ना? टेबल फुटबॉल बोलते होंगे। अरे मुझे याद आ गया, इसे फूसबॉल बोलते हैं, राघव बता रहा था मुझे। नाम अच्छा। सो फ्रेंड्स, हमने तो आज तक ये खेला नहीं है, अगर आपने खेला है तो कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा होता है। तो अब चलते हैं नए इंडोर गेम की तरफ, वो है TT, और ये है नमन चुग जिसका पूरा फर्स्ट ईयर, लिटरली पूरा फर्स्ट ईयर सिर्फ TT की टेबल के पास में बीता हुआ है, क्योंकि पहले ये सारी चीज़ें मैथ्स में रखी हुई थी TT की टेबल, तो जो भी फ्री टाइम होता था उसमें नमन बस मैथ्स में होता था, और अभी सेकेंड ईयर में यहाँ आ चुका है तो वो नहीं खेल पाता इतना। और ये वो बंदा है जो मतलब लिटरली हर बार मेडल लेके जाता है TT में। मैंने इसे इतना बोला है कि यार थोड़ा सा TT सिखा दे, थोड़ा सा, लेकिन नहीं, बंदे को सिखाना ही नहीं है। इसको छोड़ो, अगर आप में से कोई एम्स कल्याणी में आ रहा है और उसे TT बहुत पसंद है तो मेरे पास आ जाना यार, सीधा खेलना शुरू करेंगे, बिना किसी से पूछे, बिना किसी से कुछ कहे, सीधा खेलना शुरू करेंगे, और कमेंट में बताना था कि मैं भी तैयार रहूँ, ठीक है? और ये नहीं कि मेरे को सिखा दे जो इतना टाइम से कह रही है। सो फ्रेंड्स, वी ऑल्सो हैव एन आउटडोर जिम इन एम्स कल्याणी, जहाँ पे शाम के टाइम पे काफ़ी स्टूडेंट्स और काफ़ी टीचर्स भी आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, काफ़ी इक्विपमेंट्स हैं यहाँ पे, और अगर इन्हें अच्छे से यूज़ किया जाए तो काफ़ी यूज़फुल है ये। तो फ्रेंड्स, इंडोर जिम में हमारे पास अभी कुछ इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन इंडोर जिम अभी पूरी तरह फंक्शनल नहीं है, वी होप वो जल्दी फंक्शनल होगा। हॉस्टल में हमारे पास बारबेल्स, डंबल्स हैं थोड़े बहुत, जिससे हम एक्सरसाइज करते रहते हैं, सिर्फ बॉयज हॉस्टल में। और आउटडोर जिम भी है हमारे पास जो कि हम आपको दिखा चुके हैं, ये भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है, शायद हम आएंगे ना नमन। देखते हैं, मन किया तो। सो फ्रेंड्स, अभी हमने आपको जो भी इंडोर स्पोर्ट्स दिखाए वो सभी गेस्ट हाउस में थे, और यहाँ गेस्ट हाउस के सामने ही हमारे पास क्रिकेट फील्ड और फुटबॉल फील्ड है जो कि अभी रेडी नहीं है, रेडी होंगी वो, हम भी खुद वेट कर रहे हैं, पता नहीं कब रेडी होगा, शायद अभी मेन फोकस IPD के ऊपर है क्योंकि वो प्राइमरी है, जब IPD शुरू हो जाएगा तब इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो अभी आपको दिखा देते हैं यहाँ से कि क्रिकेट फील्ड और फुटबॉल फील्ड कैसी होंगी, ताकि आप जो आने वाले स्टूडेंट्स होंगे वो उसका अच्छे से मज़ा ले सकें। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा क्रिकेट ग्राउंड बनेगा,
जो कि अभी अभी तो बिल्कुल भी रेडी नहीं है। होपफुली जल्दी इस पे काम होगा और हम क्रिकेट खेल सकेंगे। और यहाँ पे बनेगा हमारा फुटबॉल ग्राउंड, आप देख सकते हैं। और जो पीछे आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये टीचर्स के क्वार्टर्स हैं। और इस साइड पे हमारा हॉस्टल प्रेमिसेस है, जहाँ पे MBBS और नर्सिंग स्टूडेंट्स रहते हैं। हम कैंपस टूर भी जल्दी अपलोड करेंगे, ताकि कैंपस की हर डिटेल आपको बता सकें। सो फ्रेंड्स, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि मैं एक ऐसी गेम के बारे में बात करूंगा जो कि आपने ज़रूर खेली होगी कभी ना कभी, और वो देख के आपको नॉस्टैल्जिया आएगा। आजकल पूरे हॉस्टल में, मतलब स्पेशली मेरे फ्लोर पे, इसी गेम का फीवर है। सारे इस गेम को खेलने के लिए पागल हैं, क्योंकि हमने इतने सालों बाद ये गेम खेली। और आप ज़रूर देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप अपने टाइम पे ऐसी कौन सी गेम्स खेला करते थे। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है वो गेम जिसकी मैं बात कर रहा था, रोड रैश। आई होप आप सभी ने कभी ना कभी तो ज़रूर खेली होगी गेम। अभी जैसे कि ज़्यादातर टाइम हम रूम पे ही रहते हैं, बाहर निकलने का मन नहीं करता, तो लैपटॉप पे ये गेम खेलते रहते हैं हम सारे फ्रेंड्स, और आपस में ही कम्पीट करते हैं। काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी यादें जुड़ी हैं इस गेम के साथ। और हाल ही में गेम डाउनलोड किया हमने, अभी तो हम लेवल 4 पे पहुँचे हैं। और आप बताइए कमेंट सेक्शन में, आप कौन सी गेम्स अपने बचपन में खेलते थे। सो फ्रेंड्स, यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई नो कि कहीं ना कहीं आपको क्रिकेट और फुटबॉल ग्राउंड की कंडीशन देख के अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि क्रिकेट हमारे देश में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला गेम है और फुटबॉल को बंगाल में काफ़ी पसंद किया जाता है। लेकिन हमारे एम्स के सामने ही आइज़र है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जहाँ पे प्रॉपर क्रिकेट और फुटबॉल के ग्राउंड्स हैं। हमारे स्टूडेंट्स, यहाँ के एम्स के स्टूडेंट्स वहाँ जाके खेलते हैं, आइज़र के स्टूडेंट्स के साथ मैच करते हैं, तो काफ़ी उसमें भी मज़ा आता है। कमेंट में बताइए आप कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, और प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक आवर वीडियो।